जब बहुत सारा टाइम बीत चुका होगा तब तुम्हें जीवन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझ में आएगी कि अपने आप को लिमिट करना, अपने आप को ये मान लेना कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। पता है हर एक लाइफ स्पेशल होती है, आपके सपने सब कुछ मैटर करता है, बस ये आप पर है कि आप उन सपनों पर काम करते हो कि नहीं, एक्शन लेते हो कि नहीं। मैंने अभी तक की उम्र में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, पर 3 किताबों से ऐसे लेसन आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके जीवन की काया पलट देंगे। नंबर 1, जब भी हम किसी काम में फेल हो जाते हैं हम तुरंत ही किसी और को ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। पर इस बात को तुम्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है। अगर तुम अपने जीवन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो एट द एंड कुछ भी नहीं होगा। जो लाइफ आपने सोची होगी, एक ड्रीम आपका होगा ना कि मुझे ऐसा बनना है, उसके लिए आपको सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हर एक इंसान को भूल जाओ, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके दोस्त, ना कोई और, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। कैसे ढालना है, कैसे जीना है, किस तरीके से उसमें काम करना है, सब कुछ आप पर है। नंबर 2, हर एक इंसान सेम होता है, कुछ टैलेंट्स होते हैं जो कि अलग होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैक्सिमम केस में आप जो भी चाहें वो बन सकते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप उस चीज को नहीं पा सकते जो आप सोच रहे हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है। अगर आपकी इच्छा है, डिजायर है, तो उस पर लगातार मेहनत करनी होती है, लेकिन उसके बाद आप उसे पा लेते हो, ये एकदम पक्की बात है। नंबर 3, ये नियम सबसे फेवरेट है मेरा। एज अ मैन थिंक इट, में ऑदर कहते हैं कि आपके थॉट्स सब कुछ होता है। जैसा आप सोच लेते हो ना, वो चीज रियलिटी में बनने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही तेजी से काम करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी चाहिए केवल उस पर फोकस करें। आपके थॉट्स भी वैसे ही काम करने चाहिए, क्योंकि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को डिफाइन करने लगते हैं। वो थॉट आपके अंदर रहकर आपको वैसा ही बना देते हैं। तो क्या सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो, उस पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर खुद के बारे में तुम निगेटिव सोचने लगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल क्लियर बातें नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुमने ये ठान लिया, मान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो हो जाएगा। तो 3 नियम है। सबसे पहला कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। दूसरा, आप जो भी चाहें, जैसा भी चाहें, बन सकता है। और तीसरा, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बना देते हैं। तो क्या सोच रहे हो, उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है।